उत्तर प्रदेश में आज से विधान परिषद चुनाव के लिए 13 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 11 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन होगा और नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी। वही प्रत्याशी 14 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। 13 सीटों के लिए वोटिंग 21 मार्च को होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। एमएलसी चुनाव को लेकर यूपी में फिर से एनडीए और ईडी गठबंधन के बीच रोचक जंग देखने को मिलेगी। बीजेपी एक बार फिर से सपा के विधायकों के बागी तेवर का फायदा उठाने की कोशिश करेगी तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए अपने सहयोगियों को मनाना भी एक बड़ी चुनौती है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब तक 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है जबकि 24 उम्मीदवारों के टिकट अभी होल्ड पर रखे गए हैं, जहां बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने इस बार सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताया उससे तो तय है कि बीजेपी सेफ खेलने के मूड में है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को। और अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सर मूड है वो कंट्री का पूरी का सेट हुआ हुआ है मोदी जी के पक्ष में। 400 पार होंगी मोदी जी, माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और सब इसके लिए समर्पित है। राम लहर पर सवार बीजेपी ने यूपी में सेफ खेलने की रणनीति बनाई है। कई सांसदों के खिलाफ मौजूदा नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने टिकट दिए हैं और 80 में 80 का लक्ष्य को साधने की रणनीति बनाई है। चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार। यूपी में अभी 51 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है जबकि 24 उम्मीदवारों के टिकट अभी होल्ड पर हैं। इन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के बदलाव की संभावना है, जैसे वरुण गांधी की पीलीभीत सीट हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की बदायूं सीट, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट हो या मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट। इन पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के ऐलान को फिलहाल रोक दिया है, यानी पार्टी यहां अपने उम्मीदवार बदल सकती है। 24 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए पीलीभीत की तो पीलीभीत की सीट वरुण गांधी वहां से सांसद हैं, यह सीट होल्ड पर है। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बदायूं से सांसद हैं। ऐसे में अब बदायूं की सीट भी होल्ड पर है, सुल्तानपुर की सीट होल्ड पर है, बरेली की सीट होल्ड पर है। चर्चा यह है कि इन 24 जो सीटें होल्ड पर हैं लोकसभा की, इनमें कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाएं तेज हैं। दरअसल बीजेपी ने यूपी में 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसमें वो कोई खलल नहीं चाहती है। इसको देखते हुए जातीय समीकरण को भी सेट किया गया है। बीजेपी ने इन 51 उम्मीदवारों में पिछड़ा कार्ड खेला है जिसमें 21 पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं, 12 अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण 10, 7 ठाकुर। पिछड़ी बिरादरी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4-4 उम्मीदवार लोधी और कुर्मी बिरादरी से उतारे हैं। 3 जाट, 2 गुज्जर, 1 कुशवाहा, 1 कश्यप, 1 यादव, 2 निषाद, 1 सैनी और 1 गुप्ता बिरादरी को बीजेपी ने अपने इन 51 उम्मीदवारों में जगह दी है। काल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमके दोबारा गोरखपुर गोरखनाथ बाबा की धरती में छाव लेके सेवा करे का मौका दोबारा मिला था। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद और देवपुर जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भाई सब पहले श्री रवि किशन चाहिए हमको। आज वास्तव में पार्टी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मैं कहूंगा मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ से अधिक के काम मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट हो, 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट हो, या हाईवेज का जाल हो, या मेट्रो कनेक्टिविटी हो, इतना बड़ा निवेश हुआ है, इन सब के कारण आज इस क्षेत्र की अपनी पहचान बनी है।
बीजेपी ने उन सीटों का भी तोड़ निकाल लिया है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी बदल दिए। हारी सीटों पर चार नए नाम, श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्रा, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने यूपी में 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इनमें 9 केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं हारी हुई सीटों पर 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि 47 पुराने चेहरे हैं जो या तो 2014 से अपनी जीत दर्ज करवाते रहे हैं या फिर 2019 के चुनाव में जीत के बाद अपने क्षेत्र में विकास कार्य के दम पर भरोसा जताया है, जिस पर पीएम मोदी ने फिर से भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ज्ञानवापी की बात करें तो ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस में आज सुनवाई होनी है। 1991 स्वयंभू लॉर्ड आदि विशेश्वर केस की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 महीने में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल हिंदू पक्ष ने 1991 में ज्ञानवापी पर अधिकार को लेकर याचिका दाखिल की, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस मुकदमे पर फैसले के लिए 6 महीने की समय सीमा तय कर दी है। और प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं तस्वीरें। गाजियाबाद, महोबा, लखीमपुर खीरी और कानपुर में मौसम बदला है। जहां मौसम में परिवर्तन हुआ, दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, तो महोबा में एक बार फिर मौसम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है। जबकि लखीमपुर खीरी में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है। कानपुर की बात करें तो यहां भी मौसम बदला, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो गई है। कई जगह जलभराव को देखने को मिला। सरकार ने बर्बाद हुए फसलों के लिए किसानों को मुआवजे का ऐलान किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब मौसम, तेज बारिश, ओलावृष्टि से किसानों के फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सभी जो जिलाधिकारी हैं या फिर एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उनको मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराकर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं, ताकि 24 घंटे में किसानों के खाते में मुआवजे को भेजा जा सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने से लापरवाही न करने की हिदायत भी दी है। वहीं आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, आकाशीय बिजली से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है, मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ है। दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराए जाने और राहत कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। आपकी सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम और सभी मंत्री करीब दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचने वाले हैं और रामनगरी में 2 घंटे तक रुकेंगे, फिर भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज एमपी के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह पहुंचने के बाद यहां पर 2 घंटे पूजन दर्शन का कार्यक्रम है, 2 घंटे रुकने के बाद वो वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। 2 युवक और 1 महिला की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले 3 लोग सीतापुर के रहने वाले हैं। नीमगांव थाना क्षेत्र के गिकौला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। थाना नीमगांव क्षेत्र में शाम को एक बाइक सवार 3 लोग जा रहे थे, उसमें जैसे जानकारी हुई कि बस से उनका एक्सीडेंट हुआ, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में एक पंकज सानू और एक महिला है राम गुनी देवी, ये रहने वाले लोग गौरिया सीतापुर के रहने वाले हैं और ये आज एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भूपतपुर जा रहे हैं। इनके परिजन मौके पर आ गए हैं और मृतकों को मर्सरी हाउस भिजवाया गया है।
और लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। शादी समारोह में शामिल होने आए बाइक सवार तीन लोगों को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। हादसे में तीनों की मौत हो गई है। मामला बितौली थाना क्षेत्र के गुलौला गांव के पास। आगरा में चंबल नहर ओवरफ्लो होने के कारण टूट गई, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। गेहूं की कई बीघा फसल जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी भरने के साथ ही लोगों के घरों तक भी पहुंच गया है। मामला बाह क्षेत्र के पटकुइया गांव का बताया जा रहा है। और आप खबर अयोध्या से, जहां पर आज हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाई दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम राम भक्तों ने और भगवान रामलला के दर्शन किए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश से लगभग 500 से ज्यादा मुस्लिम भक्त यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ये तमाम राम भक्त पक्के नमाजी और पक्के रोजे वाले हैं। कुरान की रोशनी में भारत माँ की जय बोलने वाले सभी मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश लेकर अयोध्या पहुंचे। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लगभग 500 से अधिक की संख्या आज रामलला के दर्शन के लिए आई है। बहुत से लोग 11 बजे आ गए थे, बहुत लोग 12 एक बजे आए हैं और अभी इस समय हमारे साथ में लगभग 250 लोग आए हैं। ताज मोहम्मद एडवोकेट है, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत का सहसंयोजक हूँ और आज हम रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी पूरी टीम आई है काशी से। हम काशी से चलकर यहाँ अयोध्या धाम में शांति व सद्भावना का संदेश लेके आए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक नया नारा है कि प्यार मोहब्बत भाईचारा, ऐसे है श्री राम हमारा। अरे हमारे तो हमारे रामलला हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है। प्रेरणा कहाँ से लेने की जरूरत है, ये हमारे पुरखों में से है। और आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर दंगाइयों और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए तीन जोनों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तीन जोन ने के डीसीपी ने एसीपी और थाना अध्यक्षों के साथ मॉक ड्रिल किया। अटला, करेली, खुल्दाबाद, शाहगंज, चकिया, धूमनगंज और मुट्टीगंज के साथ ही सिविल लाइन के पॉश इलाके में ये फ्लैग मार्च किया गया। देखिए, जो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज पुलिस के द्वारा आज जो दंगा नियंत्रण स्कीम है उसकी रिहर्सल की जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लैग मार्च भी हो रहा है और ये सब जो आगामी त्यौहार और जो लोकसभा चुनाव हैं उनके दृष्टिगत पुलिस के द्वारा ये रिहर्सल की जा रही है। पुलिस को जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पर डिप्लॉय किया गया है एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि जो एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं उनका किसी भी ऐसी स्थिति होती है तो उसमें कैसे उसका प्रयोग करना है, इसकी रिहर्सल की जा रही है और उनको इसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।